कौन बनेगा करोड़पति के गेम शो में आना इस कंटेस्टेंट को पड़ा काफी भारी। आपको बता दूं कि जुर्माना तक भरने की नौबत आ गई है। आखिरकार क्या है पूरी खबर, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं स्निग्धा, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी को बता दूं कि वेल कौन बनेगा करोड़पति एक बहुत ही बेहतरीन, इंटरेस्टिंग और सबसे पॉपुलर टीवी शो है। ऐसे में इस टीवी शो को वेल काफ़ी सारे फैंस देखते हैं। सबसे ज़्यादा कंटेस्टेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए सुपर एक्साइटेड होते हैं। अब ऐसा ही एक एपिसोड आया 24 या 23 अगस्त को, जहाँ पर आपको बता दूँ कि कुछ ऐसा हुआ जो काफ़ी शॉकिंग था। बेसिकली देशबंधु पांडे नाम के एक कंटेस्टेंट ने इस शो में हिस्सा लिया और इस कंटेस्टेंट ने हिस्सा लेने के बाद इस शो से 3 लाख रुपए जीते। लेकिन यहाँ पर 3 लाख रुपए जीतने का जो हर्जाना इन्हें भरना पड़ा वो काफ़ी भारी पड़ गया। बेसिकली देशबंधु पांडे रेलवे स्टाफ हैं और ये एक कार्याधीक्षक हैं और ये कोटा रेलवेज में के अंडर में आते हैं। इन्होंने केबीसी में आने के लिए अपनी छुट्टियों का रिक्वेस्ट दिया था वहाँ कार्यालय में, वहाँ रेलवे ऑफिस में। लेकिन हुआ यूँ कि इनकी छुट्टियों को अर्जी ही नहीं मिली थी और उसके बावजूद ये सीधे केबीसी पर पहुँच गए। अब ऐसे में जब देशबंधु पांडे जी वहाँ पहुँचे तो उन्हें पता लगा कि उनकी छुट्टियों पर तो अर्जी ही नहीं दी थी। इसके बावजूद देशबंधु पांडे यहाँ पर केबीसी निकल कर आकर खेल रहे हैं। इस बात का उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा और साथ ही साथ भारी भरकम रकम भी चुकानी पड़ेगी। अब तो ये फंस गए, यानी कि केबीसी में आना इनके लिए और भी ज़्यादा भारी पड़ गया। अब वेल, इस खबर पर आपके क्या है रिएक्शंस, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देशबंधु पांडे जी के क्या आप सपोर्ट में हैं? क्या है आपके रिएक्शंस? जल्दी से अपने रिएक्शंस हमारे साथ शेयर करें। तमाम बॉलीवुड और टीवी दुनिया से जुड़ी हर एक खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।